झील से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा काली जुल्फे नागिन बन के देती है जिसपे पहरा झील से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा काली जुल्फे नागिन बन के देती है जिसपे पहरा तुम पूछोगी मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसी मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी नासुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं को कोरीना को कोरीना को कोरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बहुत ही प्यारी बेटी मेरी जान मेरी खदीजा की वेडिंग एनिवर्सरी है और 27 दिसंबर 2021 में बस एक शाम को खदीजा तैयार होने के लिए सैलून गई दुल्हन बनी और दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन बनी। उसके बाद मुझे लग रहा था कि जैसे भी बहुत सारे दिन रहते हैं लेकिन उसके बाद से खदीजा बस मेरे घर में मेहमान ही हो गई। तो अभी तक मेरा घर खदीजा का कमरा सब कुछ खदीजा का इंतज़ार करते रहते हैं जबकि अल्लाह ताला ने उसको बहुत प्यारा बहुत अच्छा सा घर वहाँ भी दिया हुआ है। अल्लाह ने खुश रखे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी खुश है अपने घर में और हमज़ा जो मेरा सन इन लॉ है बेटा है मेरा बेटों की तरह है उसने वो खदीजा के साथ उसी तरह से ख्याल रखता है जिस तरह कि मैं चाहती थी कि कोई खदीजा का ख्याल करने वाला हो क्योंकि खदीजा को ना सब लोग ही हम लोग सब प्यार तो सभी उसको बहुत करते थे उसकी आदत ही इस तरह की थी लेकिन खदीजा को जैसे आबिद ने रखा हुआ था ना वो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मैं वैसे ही रखे और मेरा भी अल्लाह से यही दुआ है कि हर कोई इसी तरह अपनी बेटी का ख्याल रख सके जिस तरह आबिद रखते रहे। तो मैं उसकी पिक्चर्स एडिट कर रही हूँ वो आपके साथ अभी वीडियो शेयर करूँगी। मेरी बहुत प्यारी बेटी शायद दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है वो क्योंकि वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती है ना जिस तरह अपने माँ बाप का ख्याल अपने हर रिश्ते का ख्याल रखती है उस तरह की बेटी अल्लाह ताला सबको दे। कल उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं भी पिक्चर्स एडिट कर रही थी हम सबकी और देख रही थी और कल इंशाल्लाह उसकी शादी की पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं कल ही शायद आज ही करूँगी तो बस बाकी बातें कल करूँगी। Good day.
आज की वीडियो मेरे लिए मेरे दिल से बहुत करीब है। जो पिक्चर्स वो आप लोगों के साथ सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप भी मेरी सब्सक्राइबर फैमिली ही है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ही हैं सब। तो मेरी बेटी खदीजा को विश कर रही हूँ ढेरों दुआओं के साथ, और आप भी जब पिक्चर्स देखें तो मेरी बच्चों के लिए जैन और खदीजा और सबके बच्चों के लिए ढेरों दुआएं। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं चाह रही थी मैं अपना जो मैंने मेकअप किया ना इसकी भी मैं वीडियो बना लूँ क्योंकि सब लोग वो पूछ रहे होते हैं, मगर अब मुझे एक हफ्ते के बाद समझ आ गई है कि फाइनली हमारी दो दफ़ा दिन में लाइट जा रही है। वरना मैं सोचती थी कि क्यों जा रही है और अचानक जा रही है या कुछ, लेकिन अब मैंने पैटर्न समझ आ गया कि दो दफ़ा दिन में एक एक घंटे के लिए लाइट बंद हो रही है। हीटर है और आजकल मुझे कोई फ़र्क नहीं खास पड़ता लाइट ना हो तो, क्योंकि गैस होती है तो कोई इतना ख़ास सर्दी का भी मसला नहीं रहता। तो आज मैं अपनी फ्रेंड से मिलूँगी सनोबर से, उसके साथ मीटिंग, फिर मैं मेरे ख्याल से कल वाली वीडियो में शेयर करूँगी, कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी, फिर स्टोरी भी बताऊँगी। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि बहुत दिनों से कुकिंग ब्लॉग्स बिल्कुल ही नहीं आए, और एक तो बहुत क्यूट है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जो मैं रेसिपीज़ आपकी फॉलो करके अपने चैनल पर बताती हूँ तो वो मेरी बहुत अच्छी होती हैं जाती हैं। तो मैं अब बनाऊंगी इंशाल्लाह, सूप और सैलेड्स थे वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी जल्दी। जिसे ढूंढता हूँ मैं है कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ। जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दीदार हो वो लड़की है कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ना ऑलमोस्ट जो पूरा जो इंस्टाग्राम मैसेंजर कमेंट बॉक्स सेक्शन पूरा भर गया था। मेरे हल्का सा मैंने जिक्र किया था लेज़र जो मैं करती हूँ फेशियल हेयर और उनके बारे में, तो मैं वो आपके साथ अपनी लेज़र मशीन शेयर करूँगी। और इसको यूज़ करते हुए ना मुझे हो गए हैं 2018 में मैंने ली, 19 में शायद ली थी। और मैं ना वैसे करवा रही थी, पहले भी मैं लेज़र करवा रही थी, और मैं 2012 से ना करवा रही हूँ, लेकिन मेरे उस तरह से बाल ख़त्म नहीं हुए थे जिस तरह मेरे अपनी इस लेज़र मशीन से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अभी साथ ना इसके तीन तरह के लेंस आते हैं, लेंस बोलते हैं जो भी वो आते हैं। तो अच्छा, ये है मेरी लेज़र मशीन और ये है लुमिया प्रेस्टीज फिलिप्स की है। ये इसके आगे कंट्रोल पैनल है और इसके आगे ये तीन तरह के लेंस हैं। जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो है फेशियल वाला, ये साथ में इसके एक और लेंस है, ये आप सेंसिटिव एरियाज में आप यूज़ करेंगे, और ये लेग्स एंड आर्म्स के लिए। मैं भी ये वाला यूज़ कर रही हूँ फेशियल हेयर वाला। और इसमें ना सेटिंग्स है, आपने स्ट्रॉन्ग कितना करना है, कितना आपने इसको रखना है, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, वो सारा कुछ इसके ऊपर है। जिस तरह अभी मैंने इसको यहाँ से ये ऑन किया, ये ऑन हो गई मशीन, चार्ज इसमें थोड़ा सा ऑलरेडी था, ठीक है ना। मैं इसको इस सेटिंग पे करती हूँ 3 पे अपने फेस के लिए। अच्छा, ब्लैक जो बाल होता है ना वो बड़ी जल्दी पिक होता है, और वाइट जो है या गोल्डन वो बड़ी मुश्किल से पिक होता है। तो आपने जब आप फेशियल हेयर के लिए ये यूज़ करने लगेंगे ना, उससे आपने एक दिन पहले जो लेडीज़ वाला जो रेज़र मिलता है उससे आपने अपनी स्किन क्लियर कर लेनी है 24 आवर्स पहले, ताकि वो जो ब्लैक रूट आपकी हल्की सी निकलेगी ना उसको ये मशीन पिक करेगी फ़ौरन।
अच्छा, जब ये इसके यहाँ पे एक लाइट आती है रेडी के बाद, ये एक लाइट इधर ऑन हो जाती है, मींस के अब आपका उससे लॉक कर लिया और अब आप यहाँ से दबा के फ्लैश कर सकते हैं। मैं आपके सामने का करके दिखाती हूँ। वैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको पीछे लाइट नज़र आई, ये लॉक हो गया, लाइट लॉक। फेस आपका जाहिर है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए लेज़र से पहले, फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसके बाद आपने ये लेज़र करना है। एक्चुअली मैं बताऊँ, ये इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है और मैं सारे हस्बैंड्स और भाइयों को और सबको कह रही हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट या अपनी जो आपकी बेटी वाइफ या उनके लिए आप एक सेफ ट्रीटमेंट रखना चाहते हैं तो वो ये लेज़र मशीन है। क्योंकि जो हॉट वैक्स है ना, मैं आपको कैसे मना करूं कि वो मत करवाएं, उससे बहुत मोटा बाल निकलता है। मैंने हॉट वैक्स, वैक्सिंग, थ्रेडिंग हर कुछ करके देखा है। थ्रेडिंग तो अभी भी मैं आईब्रोज वगैरह की करती हूँ, लेकिन बाल ख़त्म नहीं होता, वो नीचे से ब्लैक मोटा होता जाता है और आपकी स्किन डार्क होती जाती है और एक पेन होती है, मतलब पेन इन द सेंस के वो टॉर्चर होता है, वो आपके बाल रहते ही हैं फॉर द टाइम बींग, सिर्फ ख़त्म होते हैं वो दोबारा निकल आते हैं। लेकिन इसके साथ विद इन कुछ टाइम आपको आपके हेयर रिमूवल हो जाता है, हेयर बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप जितनी अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतर होता है। ऑफ कोर्स आपका मैं तो कहती हूँ सारी चीज़ों से बेहतर ये होता है कि अगर आप रेज़र करके उसको वैक्स कर, वैसे तो वैक्सिंग जो नॉर्मल वैक्स है वो बहुत अच्छी है बाजुओं के लिए, टांगों के लिए, वो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए आप ये करें। और मैं तो बाजुओं पे भी यही करती हूँ और मेरे ऑलमोस्ट अब इसका मुझे कोई ये वाला प्रॉब्लम नहीं रह गया जो मुझे पहले था। ये मैंने मशीन का बताना था। अब मैं कल जा रही हूँ, एक ढोलक है और एक मैंने अपनी बहुत प्यारी और बचपन की फ्रेंड से मिलना है, वो आयरलैंड से आई हुई है, तो वो बाकी रिकॉर्डिंग मैं कल करूँगी और होपफुली मैं कल ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। दो लोग बहुत प्यारे जो मुझे कहते हैं कि मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि मैं बहुत सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, वो लोग जो लंबा लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, सिर्फ हार्ट बना के भी भेजते हैं, वो सब लोग मेरे दिल से बहुत करीब हैं। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं और वो चाह रहे हैं कि अनम हैं और बहुत सारे सना हैं। अच्छा, मैं अनम और सना आप दोनों का नाम तो ले रही हूँ, लेकिन ये है कि आप लोग सब मुझे वैसे ही याद रहते हैं और मैं हर एक को इसीलिए रिप्लाई करती हूँ क्योंकि वीडियोस आगे पीछे हो जाती हैं, कभी मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, कभी वो चीज़ स्किप हो जाती है, कभी एडिट हो जाती है, तो आप लोग सब मैं बोलूँ या ना बोलूँ तो वो सब मुझे बहुत अजीज़ है। इस तरह तो बहुत सारे, शाजिया हैं, नीना जो हर उस पर ज़रूर वो लिखती हैं, शान, बहुत सारे हैं, मैं सबके नाम लूँ या ना लूँ सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं।